क्या बोल रहा है? क्या नहीं, वो आप लोगों को पहले बताना था ना श्रीमान जी, एक्चुअल में क्या देखिए, आप लोगों ने बुलाया, आप लोग की मांग को हम उठा रहे हैं और आप लोग हड़बड़ाएंगे तो हमें कोई दिक्कत, हम डिस्पोज कर देते हैं समाचार जो है। भाई आप लोग ये मांग उठा रहे हैं ना, भाई आप लोग के माथा पे यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे जो कर्मचारी हो, उन्हें तो बोलने का अवसर मौका मिलना चाहिए। यदि आप लोग कहें तो अदरवाइज हम डिस्पोज कर देते हैं, नहीं ना काम दिया जाता है। जबरदस्ती काम? क्या जबरदस्ती काम? हर विभाग का काम हम लोग खुद करते हैं। ये बात किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। अधिकतर काम तो हमें अपने काम से ज्यादा दिए जाते हैं, तो हमारा काम होता है अन्य कार्य। तो बताइए मैडम, संतोष किस बात की? आप लोग उसी की मांग के लिए तो यहाँ बैठे हैं, अपनी समस्याओं को ज्यादा सही। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अजय कुमार मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री। भारतीय मजदूर संघ का जो 20वां त्रैवासिक अखिल भारतीय अधिवेशन 7-8-9 अप्रैल 2023 को बिहार की राजधानी पटना में संपन्न हुआ था, वहाँ भारतीय मजदूर संघ का जो 20वां त्रैवासिक अखिल भारतीय अधिवेशन था बिहार के पटना शहर में, जिसमें देश भर के 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन में 4 प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किए गए थे, जिसको हमें जिला कलेक्टर के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ज्ञापन देना है। जो हमारी 4 मांगे थी, पहला मांग था सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो, ठेका प्रथा के अंधाधुकरण पर रोक लगे, ठेका श्रम अधिनियम 1970 से न्यायोचित संशोधन करे, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बने, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस के स्थान पे जीविका मजदूरी लिविंग वेजेस तय हो, ऐसा भारतीय मजदूर संघ ने पटना अधिवेशन में सर्वसम्मत से फैसला लिया। और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जो आज हमारे यहाँ बैठी हैं बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, रेलवे विभाग है, बिजली विभाग है, वनवासी ग्रामीण, कोयला, राज्य कर्मचारी, सफाई, आशा, ऊषा, रसोईया, दैनिक वेतन भोगी और पेपर मिल, ये संगठनों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भाग लिया है। भारतीय मजदूर संघ के किस पद पे आप आसीन हैं? भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पद पे मैं आसीन हूँ। और सारे के सारे जो यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे पदाधिकारी हैं? जितने भी मंच पे यहाँ बैठे हुए हैं सभी पदाधिकारी हैं और सभी किसी न किसी संगठन के पदाधिकारी हैं। चलिए हम और भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। जैसा कि जिला महामंत्री जी ने बताई ये बात कि तमाम प्रकार के विभागों के यहाँ पे जो है मजदूरों का एक धरना प्रदर्शन है जो है, आखिरकार वास्तविकता क्या है और मांग क्या है और क्यों सरकार चेत नहीं रही, जाग नहीं रही है, हम इन सज्जन से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं विक्रम सिंह, ग्रामीण कृषि एवं जिला का अध्यक्ष हूँ और हम आज इस 24 जो 7-8-9 को बिहार पटना में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें ये पूरे देश में हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन कर और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपना है। क्या कहना चाहती हैं मैडम आप इस विषय पे जो है? नहीं, धरना पे तो बैठी है, कहना तो पड़ेगा निसंदेह जो है। हमारे आने से पहले तो आप लोग अभी नारेबाजी कर रहे थे, तो कुछ तो कहेंगे आपका? हम ये कहना चाहते हैं, जो हम लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता है। जबरदस्ती काम? क्या जबरदस्ती काम लिया? हर विभाग का काम हम लोग को दिया जाता है। आप कौन से विभाग में पदस्थ हैं? बाल विकास में, आंगनवाड़ी का नजदीक आइए थोड़ा सा जो है। हाँ, कौन से विभाग में? मेरा नाम ज्योति गुप्ता, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का कहना ये है कि हमें सिर्फ हमारे विभाग का काम दिया जाए, अदर विभाग का काम न दिया जाए। हम लोगों को अदर विभाग में काम दे दिया जाता है, जिसके कारण हमारा खुद का काम प्रभावित होता है। बच्चे को पोसे हम सही यानी देखभाल नहीं कर पाते हैं, महिलाओं की गर्भवती महिलाओं को नहीं देख पाते हैं, पोषण आहार भी नहीं दे पाते, कोई काम नहीं कर पाते हैं हम अपने विभाग। आप लोग की ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है? जैसे कि आप बता रहे आशा कार्यकर्ता है आप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, कितने घंटे की टाइमिंग रहती है सेवाओं की? 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे की? क्या उसी बीच में अन्य विभागों का काम दिया जाता है या एक्स्ट्रा आपको टाइमिंग दी जाती है? कोई टाइम उसी समय हम लोग को दिया जाता है। उसी समय? हाँ। तो कैसे कर पाते हैं हम लोग? नहीं कर पाते, बहुत प्रभावित होता हमारा काम। हम लोग एक्स्ट्रा समय लेके काम करते हैं, रात रात में हम लोग अपना विभाग का काम करते हैं। तो जैसे कि आप जिस विभाग में पदस्थ हैं, जब उस काम के अलावा आपको अन्य विभागों को जब काम दिए जाते हैं, तो किसी भी काम को आप 100% कर पाते हैं या 50-50% रहता होगा? नहीं, प्रयास तो पूरा रहता है 100% करें, मगर फिर भी दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते हैं पूरे। आपका खुद का जो विभाग उसका काम पूरा हो पाता है? जी हाँ, उसका कर लेते हैं, मगर थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है उसमें। आती है दिक्कत? तो जो वरिष्ठ अधिकारी है वो संज्ञान में लेकर के फिर डांट फटकार भी करते होंगे कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, होता है कभी ऐसा? नहीं होता है। जी हाँ सर, ऐसा होता है। ऐसा होता है? जी हाँ। उन्हें जानकारी है कि किस वजह से होता है ऐसा? हाँ जानकारी तो है, क्योंकि फिर
जानकारी होगी तभी तो हम लोगों को अन्य विभाग दिया जाता, नाम दिया जाता, पता दिया जाता है, नहीं तो कैसे जानकारी मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार बैगा है, अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, ये फेडरेशन का नाम है। किसी विभाग में भी पदस्थ हैं आप? जी इसी में है आप? अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ ने। अच्छा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का दायित्व है। अच्छा जी, आपको भी कोई ऐसी परेशानी है आपके विभाग में आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए काफी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा जो अखिल भारतीय फेडरेशन है ये अभी छत्तीसगढ़ में अपना अधिवेशन हुआ है, इसके बाद अभी 17-18 को अपना मध्य प्रदेश का अधिवेशन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताए मैडम आप? जी सर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन कौन है और यहाँ पे आप लोग हैं क्या, हाथ उठा के बताइए ना मैडम, कोई है आप लोग कार्यकर्ता जो है आंगनबाड़ी से है? आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? आइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है आप, क्या शुभ नाम है आपका? मधु केशरवानी जी। मधु केशरवानी। मैडम जैसा बता रही है कि उनके विभाग में उन्हें जो इधर थोड़ा सा मुँह करके थोड़ा सा ऐसे बैठिए मैडम, थोड़ा मैडम ने जैसे भी बताया कि उनके विभाग में जो काम की जिम्मेदारी उनकी बनती है उसके अलावा भी अन्य विभागों के काम जो है अधिकारियों के द्वारा थोपे जाते हैं, ये बात किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। अच्छा, अधिकतर काम तो हमें अपने काम से ज्यादा दिए जाते हैं, जो हमारा काम होता है अन्य कार्य भी हमको करना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा। बिल्कुल, मतलब आप लोगों को भी ऐसा जो है काम जो है ना एक बोझ तले मतलब दिया जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कौन है यहाँ पे मैडम आपके अलावा? आप भी हैं क्या मैडम? जी नहीं, आप कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी? हाँ। तो बताइए ना मैडम, संकोच किस बात की, आप लोग उसी की मांग के लिए तो यहाँ बैठे हैं अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए, बताइए। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजना सिंह जी। हमको महिला बाल विकास के अलावा अन्य विभागों का भी काम करवाया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका हो गया, जो भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी अन्य कार्य भी दिया जाता है वो केवल आंगनवाड़ी वर्कर ही करती है। तो क्या इसी के लिए हम हैं महिला बाल विकास की मतलब पदस्थ हैं जरूर, लेकिन सभी विभागों का काम हमसे करवाया जा रहा है और ना ही टाइम से हमको सैलरी भी नहीं मिल पा रही है और ना हम अपनी मांगों को लेकर आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना ही उनको सुनवाई की जा रही है। वेतन मिलने में भी आप लोग बड़ी मशक्कत परेशानी होती है? हाँ। वेतन मिलने में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम से वेतन नहीं मिलता आप लोग? हाँ, कोरोना वायरस में भी हम लोगों ने इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि हम लोग ने झोला ले लेकर के राशन तक पहुँचाया, घर घर जाके पहुँचाया, लेकिन उसमें भी हम लोग को कोई भी अलग से पेमेंट ना किया गया और अपनी जान को हाथ में रख करके हम लोग ने काम। अच्छा, अभी वर्तमान की बात करें तो अभी भी क्या कोई मंथ का आप लोगों को पेंडिंग है वेतन? हाँ पेंडिंग है। कौन सा मंथ का पेंडिंग है? ये मार्च का है। मार्च का पेंडिंग है? हाँ। तो वो पूछने से क्या जानकारी मिलती, क्यों नहीं मिल रहा वेतन? वेतन ये बोला गया है जैसे 15 दिन तक हमने हड़ताल में बैठे थे। हाँ। और 15 दिन के बाद ही हम आंगनवाड़ी खोले हैं, तो बोले कि 15 दिन का वेतन काट दिया जाए, उसके बाद आपका पेमेंट लगाया जाएगा जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं, तो वो आप लोगों को पहले बताना था ना श्रीमान जी, एक्चुअल में क्या देखिए आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों की मांग को हम उठा रहे हैं और आप लोग हड़बड़ाएंगे तो हमें कोई दिक्कत, हम डिस्पोज कर देते हैं समाचार जो है। भाई आप लोग ये मांग उठा रहे हैं ना, अब भाई आप लोग के माथा तो यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे जो कर्मचारी, जो उन्हें तो बोलने का अवसर मौका मिलना चाहिए, यदि आप लोग कहें तो, अदरवाइज हम डिस्पोज कर देते हैं, बोलिए तो नहीं ना। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम, ब्रजेश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ भैया बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 26 तारीख को अपना जय स्तंभ में कार्यक्रम है। क्या चीज का? भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री बोल रहा हूँ मैं। हम लोग अभी पटना, गए थे तो पटना में 3 दिवसीय कार्यक्रम था, तो उसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। ठेका प्रथा बंद हो, है ना, राष्ट्रीय श्रम नीति बनाई जाए और वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री का चुनाव हुआ था। आपके कोयला मंत्री जो थे वो वहाँ उद्घाटन सत्र में आए हुए थे। अच्छा। अब वहाँ से जो 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको पूरे भारत में 26 तारीख को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को देना है। ठीक है, तो उसी के तारतम्य में हम शहडोल जिले के वो जो जय स्तंभ है वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और शाम को कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अच्छा, अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि उस दिन आप वहाँ रहते, है ना, जी जी, और अपनी मीडिया में बढ़िया कवरेज करते, आपसे आफत थी इस प्रकार की मेरे को। नहीं नहीं ठीक है ना, 26 तारीख को है ना जी? 26 तारीख को, 26 तारीख को। ठीक है ना, अभी तो काफी टाइम है अपने पास जी। तो आप अमरकंटक से आ गए यहाँ?
हाँ मैं तो अभी शेड्यूल में हूँ फिलहाल अभी जो है। जी जी जी, और मैं ये कह रहा था कि आपके हाँ। और जो पत्रकार बंधु हैं अभी उतना हाँ। वो नहीं है हमारा हाँ। वहाँ था आपके धनपुरी में था अनूपपुर में था, लेकिन अभी यहाँ शेड्यूल के पत्रकार बंधु हैं तो उतना हमारा नहीं है। तो जो भी आपके संपर्क के होते उनका यदि नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर देते तो बहुत बड़ी कृपा होती। मैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं आपको कर दूंगा, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा 2-4-10 लोगों को, मैं आपको भेज दूंगा निश्चित तौर पर। ये व्हाट्सअप नंबर है ना आपका? ये तो यही व्हाट्सअप नंबर है और 26 तारीख को आपको रहना है। ठीक है ना, आप मेरे को ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें हाय हेलो कुछ लिखकर आप भेज दीजिए मुझे और मैं कुछ पत्रकारों के नंबर आपको मैं दे देता हूँ। है ना, आपका नंबर मेरे पास सेव है हालांकि जो है नहीं, एक बार आप दो बार आ चुके हैं, आप दो बार कवरेज कर चुके हैं अपनी मीडिया हाँ। को स्थान दिए हैं आप। जी 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 जी, तो वही नंबर सेव था अपने पास। ठीक है ना, व्हाट्सएप में हाय हेलो कुछ लिख दीजिए मेरे को आप, जाए मैं जरूर आऊंगा, नंबर में दे देता हूँ। ओके जय, तो हमें आप पूछने दीजिए आप, ठीक है? हाँ नहीं, आप बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, ये आंगनबाड़ी के ये हो गए कार्यकर्ता जो हो गए, और कौन कौन से विभाग के थे भाई साहब? मैं आ रहा हूँ आपके पास, और कौन से विभाग के थे जी? कोल विभाग, स्वास्थ्य कर्मचारी भी कोई यहाँ पे है क्या? कहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी कहाँ पे पदस्थ है आप? धनपुरी पे। आपको क्या दिक्कत परेशानी भाई साहब? दिक्कत परेशानी ये है कि पूरे जिले से सभी जगह से जयसिंह नगर बुढ़ार और आपके पकहो धनपुरी समस्त जगह से लोग आए हुए, समस्त कर्मचारी आए हुए हैं और सबकी परेशानी दो चीजों को लेकर है। अपनी परेशानी पहले बताइए। हमारी परेशानी ये है कि हमारे जो क्षेत्र हैं, अगल बगल के क्षेत्र हैं, सब में ठेका प्रथा किया जा रहा है। उस टाइम में जब कोरोना था तो फर्स्ट लाइन में खड़ा करके हर काम कराया जाता था, यहाँ तक कि आदमी को क्या हो जाए, कुछ बीमारी से वो पहला ग्रस्त हो जाए, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, उसमें भी मतलब कुल मिलाकर के प्रशासन और सरकार हीला हवाली करती है आप लोगों के साथ, ना हम लोगों को वेतन ढंग से दे रही है, कहीं कहीं 3 महीने कहीं 4 महीने प्रशासन की बड़ी लापरवाही लगती है, या ऊपर बैठे हैं जो सूबे के सूबेदार की बात करें तो उनकी लापरवाही है, इनकी लापरवाही शासन की तरफ से है, शासन की लापरवाही है। जी जी, कहीं चुंगी के नाम से पेमेंट नहीं देते हैं तो कहीं बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर ठेकम क्यों दे रहे हैं जब पैसा नहीं है? तो रेल विभाग के कौन कौन यहाँ मजदूर या कर्मचारी हैं? आपके अलावा और कोई है क्या यहाँ पे? आइए भाई साहब, ऐसे आइए, आ जाइए सर। आप कौन से विभाग के हैं भैया? कौन से विभाग के हैं आप कौन से विभाग के हैं? आइए ऐसे आइए। रेलवे वाले भैया हैं क्या भाई साहब? रेलवे से हैं, शेड्यूल में ही पदस्थ हैं। कौन से विभाग में हैं? मैं अनुज विश्वकर्मा हूँ, मैं वरिष्ठ ट्रेन मालगाड़ी प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर शेड्यूल। अच्छा, गार्ड है। हाँ जी, और भारतीय मजदूर रेलवे संघ का शाखा अध्यक्ष हूँ मैं। हमारे यहाँ भी ठेका प्रथा रेलवे में बहुत बड़े पर्दे स्तर पर लागू हो रही है। 3:15 बज रहे हैं, 4 बजने को टाइम है, 5 मिनट हो जाए कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूँ रेलवे में भी बहुत बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा ठेका प्रथा और ठेका मजदूरों भर्ती किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मजदूरों की प्रताड़ना को दरकिनार करते हुए भर्ती हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो ठेका कर्मचारी होता है उससे जिस स्तर का काम लिया जाता है उसको उस स्तर पर वेतन नहीं मिलता है। इसके लिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि इस पर ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, जितना मजदूरों से काम लिया जा रहा है, जिससे उनसे जितना उनसे मेहनत कराई जा रही है, कम से कम उतना मेहनताने का वो हकदार बने और उतना उसको ईमानदारी से मिले, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करे। ही लापरवाही से रोक लगे लाकर ये कहना चाहते हैं। ये जैसे कि आप लोग अभी जो है अपनी मांगों की बात कर रहे थे, निसंदेह आप लोग की मांग जो है, आप लोग के जो भी बीच के जो अधिकारी होंगे, जहां आप ज्ञापन सौंपेंगे उनके माध्यम से ऊपर तक जाएगी जानकारी, लेकिन मांगों के अलावा यदि हम समस्याओं की बात करें, जैसे अभी समस्याओं से अभी मैडम ने अवगत कराया है ना, भैया लोगों ने अवगत कराया, तो प्रमुखता के साथ वो समस्याओं को भी अपने उजागर करना, सामने रखना, मुझे जहाँ तक लगता है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है हाँ। ये सिर्फ 4 बिंदुओं पर ही है हाँ। ये जो 4 बिंदु अभी हमारे सामने है हाँ। राष्ट्रव्यापी है, तो सिर्फ 4 मुद्दों पे ही अभी बात चलेगी हाँ। जी, वो तो ठीक है कि आप लोग की मांग जो भी है, लेकिन समस्याओं को भी तो आप लोगों को बताने का ना, समस्याएं कैसे दबी रह जाएंगी, समस्याएं कैसे दबी रह जाएंगी? चलिए ठीक है, कि 26 अप्रैल को पूरे देश के सभी जिलों में हम आम एक दिवसीय आम सभा करके जिला अध्यक्ष के माध्यम से भारत सरकार को एक एक ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन पे सरकार से बाद में बात होगी। चलिए, सरकार से बात करने की बखूबी इन्होंने बात की और मौखिक रूप से भी इन्होंने कहा, और जैसे कि पेपर ऑन द पेपर इन्होंने ये लिखा हुआ है, टाइप कराया हुआ है,
वो भी उसके माध्यम से जो है सरकार तक जो है बात इनके द्वारा पहुंचाई जाएगी। बहरहाल लेकिन ये मांगों के अलावा इन समस्याओं की हम बात करें, विभिन्न समस्याओं को इस भीड़ में से दो चार लोगों ने बयां किया। हम अपेक्षा से उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के यदि जो है जिम्मेदारों की बात करें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारों की बात करें, उनके द्वारा निश्चित ही इनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जो है समस्या का समाधान हर हाल में किया ही किया जाएगा। बहरहाल संभागीय मुख्यालय का ये बाणगंगा मैदान है। इस परिसर से लेड इंडिया दिल्ली के लिए एपीआर न्यूज से मैं श्याम मानिकपुरी, जय हिंद जय भारत।